पर मौजूद हूं, उन्हीं छात्रों से हम जान लेते हैं जो छात्र सबसे ज्यादा शिकार इस पूरे नीट एग्जाम को लेकर हो रहे हैं। आप क्या सोचती हैं जिस तरीके से नीट एग्जाम को लेकर जो खबरें निकल कर सामने आ रही है कि पेपर लीक हो गया पेपर देने के पहले ही? जी देखिए, जो पेपर लीक होता है वो हर साल ऐसा सुना है कि हर साल मतलब कहीं ना कहीं हो जाता है, लेकिन जो इस बार हुआ है वो कुछ बड़े लेवल पे लीक हुआ है। और ये लीक होने से मतलब कि उन बच्चों को प्रभावित करता है जिन बच्चों ने अच्छे से मेहनत की है। जो पेपर लीक होता है मतलब कि जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं या जिनके पास इतना पैसा है कि वो लोग क्या करते हैं, पेपर को खरीद लेते हैं, पेपर होने से पहले पेपर खरीद लेते हैं, तो इसमें उन लोगों का तो फायदा हो जाता है, लेकिन इनमें उन बच्चों का तो लॉस होता है ना जिन लोगों ने पूरी साल मेहनत की है, अपनी मेहनत के जो नंबर लाए। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम अजय बारस्कर है। क्या एक सबसे बड़ा सवाल, जिस तरीके से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि नीट एग्जाम में धांधली हुई है, पेपर लीक हो गया, क्या लगता है पेपर रद्द होना चाहिए या फिर से पेपर आयोजित करके फिर से जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको मौका देना चाहिए सरकार? सर बिल्कुल, इस बार का पेपर रद्द होना चाहिए और फिर से नीट का मौका सबको मिलना चाहिए, बाकी अच्छे से इस बार नीट होनी चाहिए फिर से। आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? सर मैं 2 साल से। क्या सोचते हैं आप इस सब पूरे मसले को लेकर, अगर देखा जाए तो क्या सोचना है आपका? भरोसा उड़ जाएगा अगर मतलब ऐसा ही चलते रहा तो एजुकेशन सिस्टम पर से, जिसके कारण पूरे देश का ही लॉस है, क्योंकि सभी बच्चे डॉक्टर्स बनेंगे जिससे पॉपुलेशन की हेल्थ पे फिर फर्क पड़ेगा आगे। आप क्या सोचते हैं? यस सर, बिल्कुल। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से पेपर लीक की जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं उसको देखकर अगर सोचा जाए तो क्या लगता है आपको? सर जैसे पेपर लीक हो रहा है तो ऐसे नहीं होना चाहिए, और एनटीए ये सब जो हुआ है तो ये बहुत गलत हुआ है और पेपर दोबारा ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग 1 साल से तैयारी कर रहे हैं और एजुकेशन में ऐसे धांधलीबाजी अच्छी नहीं है सर। किस तरीके से आखिरकार प्रभावित होते हैं आप इन सब चीज़ों से लेकर, पेरेंट्स से लेकर, आप से लेकर, किस तरह से? सर मेरे पेरेंट्स मजदूरी करते हैं और खेती करते हैं, तो सर हम लोग बड़े गरीब लोग हैं और यहाँ आके नीट की तैयारी करते हैं, और ऐसे में एनटीए अगर धांधलीबाजी करता है तो ये सर बहुत गलत हो रहा है और एजुकेशन में ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आपका क्या नाम? सर मेरा नाम महिमा प्रजापति। कब से तैयारी कर रही हैं आपने? सर मुझे 2-3 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए, और इस बार मैंने अच्छा स्कोर करने पर भी मुझे वो रैंक नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। इस बार उम्मीद थी आपको कि इस बार मेरी रैंक लग जाएगी 2-3 साल बाद तैयारी करने के बाद, लेकिन उन उम्मीदों के पहले ही जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आती है कि नीट का पेपर लीक हो गया, तो उस स्थिति में क्या सोचती हैं आप? सर जो रैंक मुझे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी इस बार, और जो कॉलेज मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट से यही चाहती हूँ कि फिर से रीनीट हो और फ्रेश और फेयर रिजल्ट इस बार होते हैं। दुर्गेश, आप दुर्गेश किस तरीके से सोचते हैं, जिस तरीके से तमाम बच्चे बोल रहे हैं? जी दुर्गेश, जरा उस बच्चे से ये पूछिए उसकी रैंक कौन सी आई थी, और इसमें वो दोषी किसको मानते हैं, किसको पूरी तरह से दोषी मानते हैं? 1 साल में, पिछले 5 साल में 41 परीक्षाएं इसी तरह की प्रायोगिक परीक्षाएं रद्द हुई है। बिल्कुल, एक सबसे बड़ा सवाल, आपकी रैंक कितनी आई थी इस बार? सर मेरी जो रैंक है वो 2 लाख के अंदर आई है। अच्छा, इस पूरे मसले पर अगर देखा जाए, जिस तरीके से देखा जाए कि पहले भी कई बार पेपर लीक की खबरें निकल कर आई हैं, चाहे व्यापम से लेकर हो, पटवारी से लेकर हो, तमाम इस पूरे सिस्टम में आप लोगों को क्या लगता है कि इन पर कौन दोषी है जो इस पूरे मसले पर भ्रष्टाचार कर रहा है और सरकार इन पर शिकंजा नहीं कस पा रही है? सर कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम ही इसके लिए जिम्मेदार है, वही अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं सब कुछ, और एनटीए भी इसके लिए जिम्मेदार। एक सरकारी सिस्टम होता है, सरकारी सिस्टम को मॉनिटरिंग करने वाले, सुपरविजन करने वाले और बड़े लोग होते हैं, आप उनसे किस तरीके से अपनी बात रखना चाहेंगे, किस तरीके से आप तक रखना चाहेंगे? सर जी, सब गलतियां सभी जगह होती है, पर अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे सिस्टम ने मिलकर कुछ गलत किया हो, जो लोग है, जो जिन लोगों ने किया है ऐसा गलत, उन्हें पकड़ना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए जिससे वो पकड़ा है, बाकी अब गंदगी तो साफ करनी पड़ेगी ना हर जगह की। बिल्कुल, एमपी में बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हुई, प्रतियोगी परीक्षाएं, जिनके पर्चा लीक की खबरें निकल कर सामने आई, क्या लगता है आपको इस पूरे सिस्टम में कौन लोग ऐसे लिप्त हैं जिन पर सुनकर सरकार अभी तक उन लोगों को नहीं पकड़ पा रही है, या कोई भी ऐसा एग्जाम, कोई भी ऐसी परीक्षा हो जो बिना पर्चा लीक के वह परीक्षा आयोजित नहीं हो पाती है, बाद में ऐसी खबरें आती कि पर्चा लीक हो गया है, कोई धांधली हो गई, क्या लगता है किसको दोषी पाते हैं आप लोग? सर इसमें तो एजुकेशन सिस्टम को ही दोषी माना जाएगा, और फिर अगर एनटीए ऐसा कर रहा है तो ये सर एजुकेशन में बहुत बड़ा गलत फर्क पड़ता है। सब होता है आपके साथ है, हम लोग तैयारी आपके साथ पेरेंट्स भी हैं, फिर बच्चों के पेरेंट्स भी हैं, दुर्गेश जरा उनसे बात करें, बच्चों के पेरेंट्स भी शायद बाएं तरफ खड़े हुए हैं, उनसे बिल्कुल हमारे
जी सर, मैं मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अमित गुप्ता जी हैं, इनके पास में कई बच्चे पढ़ने भी आते हैं, इनके बच्चे भी नीट की तैयारी करते हैं। सर किस तरह से पूरे सिस्टम को देखते हैं अगर देखा जाए? ये दरअसल बहुत ही बड़ा एक स्कैम है जिसमें लाखों बच्चे हमारे देश के स्कूल प्रताड़ित हो चुके हैं, और NTA जिसने इस एग्जाम को कंडक्ट कराया था वो अब तक इस गलती को मानने को तैयार नहीं है। उसको ऐसा लगता है पूरे देश में जो इतने सारे टीचर्स और बच्चे चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं यूट्यूब पे और प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सब पागल है। हम लोग अपना फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं इन प्रदर्शनों में, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है NTA की बच्चे कितने परेशान हैं और किस तरीके से उनके माता पिता यहाँ उनको भेजते हैं गांव-गांव से तैयारी करने के लिए, अपनी खेतों को गिरवी रखे, जेवर गिरवी रखे, उन बच्चों का क्या कसूर है जिनकी रैंक 3-3 गुना बढ़ के आ रही है। मतलब 650 नंबर वाला बच्चा जो एम्स में जाने लायक होता था वो ये सोच रहा है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो इसका जवाब दे सरकार और NTA भी इसका जवाब दे। एक सबसे बड़ा दर्द निकल कर आता है कि जब बच्चे 2-2, 3-3 साल, जिस तरीके से आपके साथ कई बच्चे ऐसे मौजूद है 2-2, 3-3 साल तैयारी करते हैं, फिर उनको नीट में सिलेक्शन नहीं होता और उसी बीच में ऐसी खबरें निकल कर आ जाती हैं कि पर्चा लीक हो गया। यही चीज है, देखिए हमारे देश की अधिकतर आबादी ग्रामीण आबादी है और गाँव से आने वाला बच्चा जो आजकल पेरेंट्स वगैरह मनोबल बढ़ा रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाएंगे, वो मनोबल कहीं ना कहीं उनका टूटता है। एक मेरा सवाल है, NTA और सरकार ने अभी तक इस चीज पे क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि जब 14 जून को रिजल्ट आना था तो आपने 10 दिन पहले कैसे दे दिया 4 जून को? जनरली हमारे देश में रिजल्ट 2-4 दिन बाद में ही आता है, पर 10 दिन पहले रिजल्ट आना कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की स्मेल को देता है, कहीं ना कहीं करप्शन की स्मेल यहाँ से आती है। दूसरा, बिहार में गोधरा में प्रत्यक्ष रूप से पेपर जले हुए पकड़े जा रहे हैं, बच्चों के घरों में पकड़े जा रहे हैं, जो बच्चे कहीं ना कहीं जिन्होंने एग्जाम दिया था उनके पास संदिग्ध चेक हुए हैं। तो ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। दूसरा, रैंक अगर पेपर हल्का सा इजी आया था, ये उनका तर्क है, तो हल्का सा इजी आने से रैंक 10% 20% बढ़ती, ट्रिपल नहीं हो सकती थी? ट्रिपल मतलब 300% रैंक का इन्फ्लेशन, ऐसा नहीं हो सकता था? तो कहीं ना कहीं एक बड़ा स्कैम समझ में आ रहा है कि गड़बड़ हुई है। और